बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी आरजे फरीम, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। जी हाँ, टॉपिक है हमसायों के हकूक। कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं वीडियो नहीं इस पर बना पा रही थी, तो सोचा आज जो है इस पर वीडियो बना लूँ। जी जनाब, हमसायों के हकूक पे अगर बात की जाए तो बहुत लंबी वीडियो होगी। मैं कोशिश करूँगी कि बस बेसिक पॉइंट्स पे हम बात करें। हमसायगी को अरबी में जवार कहा जाता है और पड़ोसी को जार कहते हैं। इस्लाम सबसे पहला और आखिरी मजहब है जिसने खुशगवार और मुतमिन माशरा पैदा करने के लिए इंसानी ज़िंदगी को कोई इनफरादी और इज्तमाई पहलू ऐसा ना छोड़ा जिससे हमें वास्ता ना पड़ता हो। चनाचे रहाइश और सकूनत के लिहाज से सबसे ज़्यादा वास्ता हर एक को अपने हमसाया यानी पड़ोसी से पड़ता है। इसलिए अल्लाह ताला और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसायों के साथ हुस्न माशरत, खुशगवार रहन सहन और बोदोबाश के लिए भी सिर्फ तरगीब नहीं की बल्कि इसकी हदूद मुकर्रर करके तकरीबन एक माशरती निज़ाम बनाकर बाहमी खुशगवार तलकात पर जोर दिया। इस सिलसिले में ये बात भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि हमसायगी का हक सिर्फ अपने दाएं बाएं बसने वाले पड़ोसी नहीं बल्कि इसकी वसत और फैलाव बहुत ज़्यादा है। कुरान हकीम के ज़रिए अल्लाह ताला ने हकूक़ो जवार में दूसरे लोगों को भी शामिल फरमाया। रिश्तेदार हमसाया के साथ और गैर रिश्तेदार हमसाया पहलू के साथ थी। इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि हमसाये तीन किस्म के होते हैं। ऐसे लोग जो हमसाया होने के साथ रिश्तेदार भी हों, ऐसे लोग जो कर्बो जवार में रहते हों लेकिन रिश्तेदार नहीं हों, वो लोग जो हमनशीन दोस्त हों और ऐसा शख्स जिसके हम सफ़र होने का मौका मिले। इसलिए मालूम हुआ कि इस्लाम ने सिर्फ मुसलमान हमसाया के साथ ही नेक सलूक का हुक्म नहीं दिया बल्कि गैर मुस्लिम हमसाया के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम दी। इस सिलसिले में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, गैर मुस्लिम हमसाया का एक हक है, मुसलमान हमसाया के दो हक और मुसलमान रिश्तेदार हमसाया के तीन हक हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे हमसायों पर नाराज़गी का इजहार फरमाया जो हमसाया की ज़रूरत के वक्त मामूली ज़रूरत की चीज़ अपने हमसाया को ना दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन ने यह सुनकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं है? फरमाया, वो शख्स जिनका पड़ोसी इसकी तकलीफ़ों से महफूज ना रहे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हो से फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझको पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करने की इतनी ताकीद की कि मैंने ख्याल किया कहीं पड़ोसी को पड़ोस का वारस ना ठहरा दिया जाए। इस तरह एक रवायत नकल की जाती है कि जिससे हक जवार की अहमियत वाज़े हो जाएगी। किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हो ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत नफली नमाजें बहुत पढ़ती है और नफली नोज़े बहुत रखती है और सदका देती है, इसके लिए वो मशहूर है लेकिन अपनी बदज़बानी से पड़ोसियों को नाराज़ करती है। ये सुनकर आपसे सल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम में जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें हमसायों के हकूक़ को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझ समेत सब सामिन जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे कि हम हमसायों के हक अदा कर सकें। आमीन।